रामा, जिसको तुमने अपने हाथों से पाल पोस कर जवान किया था और वो तुम पर अपनी माँ से भी ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपने ही हाथ उसके खून से रंग दिए? चंपावन के एक एक जानवर के दिल में बस यही सवाल उठता है। मुझे नहीं पता था एक वफादारी इतनी भारी पड़ेगी कि मुझे अपने सबसे अजीज दोस्त को अपने ही हाथों से गंवाना होगा। ये कहानी शुरू हुई थी चंपावन की सबसे अमीर महारानी मानवती से। जब दुश्मनों ने एक युद्ध में मानवती के पति को मार डाला था, तब उसका बेटा यशराज सिर्फ 2 साल का था। इतने बड़े चंपावन जंगल की जिम्मेदारियों को अकेले संभालना मानवती को मुश्किल नजर आ रहा था, इसलिए उसने कालिया नाम के एक साधारण से शेर से शादी कर ली और मानवती पर कालिया शेर का एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया गोपी। कालिया यशराज और अपने सगे बेटे गोपी में बहुत फर्क करता था। समय ने उड़ान भरी और मानवती के दोनों बेटे जवान हो चुके थे, लेकिन यशराज की युद्ध कला, महानता और प्रजा को इज्जत, इस सीख के पीछे सिर्फ एक हाथ था और वो था रामा, जो मानवती का सबसे पुराना और सबसे वफादार सिपाही था। रामा मानवती के पास आता है। महारानी मानवती, गोरखपुर से सोना लेकर वापस लौटना इस बार बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ लुटेरों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, किसी भी समय अचानक हमला हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं इस काम को यशराज को सौंप देती हूँ। वो जानता है, दुश्मन की हर चाल समझता है, कब कहाँ क्या करना है वो सब कुछ अच्छे से जानता है। मानवती अपने बेटे यशराज को गोरखपुर के लिए भेज देती है। यशराज उधर से सोने के बक्से लेकर वापस लौट ही रहा था कि तभी पानी में से लुटेरे आते हैं और यशराज पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। लुटेरे यशराज का सारा सोना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यशराज को होश आता है और वो अपनी कश्ती को पीछे मोड़ता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। यशराज आगे बढ़ता है और एक कपड़े को हटाता है जिसके अंदर सोने के असली बक्से रखे हुए थे और यशराज वहाँ से वो असली बक्से कश्ती में लेकर वापस चंपावन के लिए निकल जाता है। दरअसल कल जब यशराज यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, तब किरण नाम की एक शेरनी उसके पास आई। यशराज, तुम्हारे खिलाफ एक मंसूबा बनाया गया है, वो दोनों तुम्हें तुम्हारी माँ की नजरों में गिराना चाहते हैं। कल रात जब मैं नदी से अपने जंगल की तरफ लौट रही थी तो तुम्हारे पिता कालिया और गोपी कुछ लुटेरों से बात कर रहे थे। वो जब यहाँ से वापस लौट रहा होगा तभी तुम्हें उस पर वार करना है और वो सारा सोना हम तक पहुँचाना है। तुम बहुत चौकन्ना होकर वार करना, उसे मारना नहीं सिर्फ बेहोश करना है। हमें मानवती के सगे बेटे को उसकी नजरों में गिरते हुए देखना है। और जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गई कि वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देती हूँ, फिर वो चाहे मेरे दुश्मन से ही क्यों ना जुड़ी हो। ये कहकर किरण वहाँ से चली गई। दरअसल किरण उसी की बेटी है जिसने मानवती के पति यानी यशराज के पिता को मार दिया था, लेकिन यशराज उसकी सच्चाई देखकर उससे विवाह करने के बारे में सोच चुका था और इस तरह यशराज ने चालाकी से वो असली सोने के बक्से लाकर मानवती तक पहुंचा दिए और कालिया और गोपी बस देखते रह गए। मुझे तुम पर पूरा यकीन था, तुम हमेशा मेरे हुक्मों का पालन करोगे। इधर मानवती अपने बेटे यशराज पर गर्व कर रही थी और उधर कालिया और गोपी अपनी गुफा के अंदर जाते हैं और जब वो बक्से खोल कर देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली थे जो लुटेरों ने उन्हें ला कर दिए थे। नहीं, हमारी खेली गई हर चाल को वो पहले ही समझ जाता है। अगर ऐसे ही वो सबका दिल जीतता रहा तो वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा और हम बस उसकी गुलामी करते रह जाएंगे। शांत हो जाओ गोपी, शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो। हम हार नहीं मानेंगे, हमारा अगला प्लान उसकी जिंदगी को तबाह कर देने वाला है। इधर कालिया और गोपी यशराज को तबाह करने के प्लान बना रहे थे कि तभी भागता हुआ इनका एक जासूस बाघ मानव कालिया और गोपी तक पहुंचा। महाराज महाराज, अब उसे रास्ते से हटाना बहुत आसान है। एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जल्दी बताओ क्या खबर लेकर आए हो। महाराज महाराज, मानवती महारानी का सबसे बड़ा दुश्मन वह है जिसने आज से 20 साल पहले मानवती के पति को खून से नहलाकर भेजा था
और आज यशराज ने उसी की बेटी किरण से विवाह रचा लिया है। गोपी, यही वो समय है तेरी माँ मानवती को यशराज के खिलाफ भड़काने का। अब देखते जाइए पिताजी, मैं कैसे जलती पर तेल छिड़कता हूँ, सबके सामने उसे जलील करवाऊंगा, फिर वो यहाँ से खुद भाग जाएगा। गोपी मानवती के पास जाता है। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरा बड़ा भाई यशराज पास के जंगल की शेरनी से विवाह करके आने वाला है, और इस खुशी के मौके पर मैं सभी जानवरों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा गोपी, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे बड़े भाई की शादी है, हम अपने घर को भी सजाते हैं और जानवरों को भी इकट्ठा करते हैं। गोपी और मानवती अपने घर को सजाते हैं और बहुत सारे जानवरों को भी इकट्ठा करते हैं। इधर यशराज भी किरण से विवाह करके वापस लौट आया, लेकिन जब मानवती ने देखा कि वो उसके सुहाग के कातिल की बेटी है तो मानवती गुस्से और दुख से भावुक हो गई। लेकिन मानवती कुछ कहती इससे पहले ही किरण बोल पड़ी, मैं जानती हूँ मानवती जी, मेरे पिता रघुबीर ने आज से 20 साल पहले युद्ध में यशराज के पिता को मार डाला था, ये बात आज भी आपके सीने में दर्द पैदा करती है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई दुख नहीं पहुँचेगा। मेरी नज़र में रघुबीर से जुड़ा हर जानवर यशराज के पिता का कातिल है, और मेरे दुश्मन और चंपावन के दुश्मन के साथ क्या किया जाता है ये तुम अच्छे से जानते हो यशराज। माँ, बचपन से मुझे सिखाया गया प्राण चले जाए लेकिन वादा ना टूटे, और मैं इससे हमेशा साथ देने का वादा कर चुका हूँ। तुम हमारे निर्णय को ठुकरा रहे हो यशराज, लेकिन सभा में इकट्ठे हुए सभी प्रजावासी भी सुन ले, या तो रघुबीर की बेटी को सूली पर चढ़ाया जाएगा या फिर यशराज इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए, और ये मेरा आदेश है। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ माँ। अगर एक राजरानी होने के नाते तुमने अपना फर्ज निभाया है तो एक वादा मैं भी करता हूँ, मैं जहाँ भी रहूँगा आपके प्रति मेरे हृदय में इज्जत कभी कम नहीं होगी। आज्ञा दीजिए माँ। यशराज किरण को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया और गरीब जानवरों के बीच जाकर रहने लगा। कालिया और गोपी बड़े खुश थे क्योंकि मानवती के बाद राजगद्दी का पद गोपी को ही मिलना था। यशराज गरीब जानवरों के बीच रहकर भी उनके मुश्किल जीवन को आसान बनाने के लिए कई समाधान करता है। यशराज की पत्नी किरण गर्भवती थी, लेकिन इधर चंपावन में मानवती ने अभी तक भी गोपी को राजा घोषित नहीं किया था। एक बार मानवती और रामा को दूसरे जंगल किसी काम से जाना होता है। कालिया, मैं रामा काका के साथ कल तक के लिए बाहर किसी काम से जा रही हूँ, तब तक तुम और गोपी इन सिपाहियों के साथ इस जंगल की रक्षा करोगे। माँ, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मानवती और रामा तो चले गए, लेकिन ये रात यशराज पर एक कहर बनने वाली थी। गोपी और कालिया ने अपने जासूसी प्लान के मुताबिक इन सिपाहियों में से दो सिपाहियों को छोड़कर सबको जान से मार दिया और खुद को भी जख्मी कर लिया। जब मानवती और रामा वापस लौटे तो देखा सिपाहियों की लाशें वहाँ पड़ी थी। देख मानवती, ये तेरे उस बहादुर बेटे ने क्या कर दिया हमारे साथ, उसने गोपी को भी जान से मारने की कोशिश की है, हमें ये राजगद्दी नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। हाँ महारानी जी, यशराज ने बड़ी बेरहमी से सफर खूनी वार किए हैं, माफ कीजिएगा माँ, लेकिन मैं आपको याद करा दूँ, आपका ही बनाया गया नियम है, पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन हो या सगा भाई, उसकी सजा मौत है। राज्य के नियमों के बीच रिश्ते कभी नहीं आएंगे। यशराज ने अगर ये दुस्साहस किया है तो मेरा नियम उसके लिए भी बराबर होगा। तब गोपी और कालिया के जख्मों का इलाज होता है और इधर मानवती रामा को अपनी गुफा पर बुलवाती है। रामा, यशराज को मारना होगा। ये आप क्या कह रही है, नहीं महारानी, ये मुझसे नहीं होगा। कोई भी सिपाही उसका अंत नहीं कर पाएगा, वो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है रामा, एक तुम ही हो जो उसे मार सकते हो। रामा मानवती के हुक्मों को टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो यशराज के पास ही चला जाता है। यशराज रामा को देखकर बड़ा खुश होता है। अरे आओ आओ रामा काका, कैसे हो तुम और माँ कैसी है? सब ठीक है, मैं तुम्हारी खैरियत ही पूछने आया हूँ, और किरण कहाँ है? अरे रामा काका, वो पानी पीने गई है, जल्द ही हमारी एक संतान भी होने वाली है, तुम दादा बनने वाले हो रामा काका। अभी यशराज ये कह ही रहा था कि तभी रामा ने पीछे से उस पर अचानक वार किया और यशराज वहीं गिर गया। मुझे माफ करना यशराज,
मेरी मजबूरी बन गई थी, मानवती का आदेश था ये। सच्चाई जो भी होगी, थोड़ी देर बाद वो सबके सामने आ ही जाएगी, लेकिन मुझसे वादा करो तुम मेरी आने वाली संतान से कुछ नहीं छिपाओगे, तुम उसे सब सच बताओगे काका। ये कहते ही यशराज ने वहीं दम तोड़ दिए। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते यशराज। मजबूर और दुखी होकर रामा वहाँ से चल दिया। अभी रामा थोड़ी दूरी पर ही चला था कि उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आई। तब उसने छिपकर देखा कि कालिया और गोपी यशराज के पास आए। देखा पिताजी, कैसा षड्यंत्र रचा। मानवती की नजरों में यशराज को उन सिपाहियों का कातिल बनाकर उसके ही सबसे वफादार सिपाही रामा से उसका अंत करवा दिया। रामा ने जब ये सुना तो वो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और दौड़ता हुआ रानी मानवती के पास गया। दगा की है उन दोनों ने हमारे साथ, आज एक वफादार बेटा ही नहीं एक वफादार योद्धा भी मारा गया है। इस जन्म में हम शायद ही इस पाप से मुक्त हो पाएंगे महारानी। ये क्या कह रहे हो तुम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं यशराज को मारकर वहाँ से आ गया तो मुझे मारने वाला है, तेरी बेवकूफ माँ को ये विश्वास दिलाकर उसी के हाथों तेरा अंत लिखवा दिया है। अपने आखिरी समय में वह मुझे बहुत खुशी से कह रहा था कि आप दादा बनने वाले हैं। जिसने आज तक मुझे हर दुख में संभाला, मेरी खुशियों और बुरे समय का साथी बना, रामा मैं उसी की कातिल बनकर रह गई। उन बाप बेटों का रचा षड्यंत्र मैं समझ ना पाई। चलो रामा, उस कालिया और गोपी को इसका जवाब देना होगा। तब वो दोनों उनकी गुफा तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी कुछ सिपाहियों से कालिया कह रहा था, सिपाहियों अभी एक काम और बाकी है, जाओ यशराज की पत्नी और उसकी संतान को भी कुचल डालो और मौका लगते ही हम उस बूढ़े रामा और उस मूर्ख मानवती को भी रास्ते से हटा देंगे। रामा तुम जल्दी से यहाँ से किरण तक पहुँचो, हमें उसकी संतान को हर हाल में बचाना है रामा। लेकिन महारानी आपका क्या होगा? मेरी चिंता मत करो रामा, जल्दी जाओ। तब रामा तेजी से इसी जंगल आ गया और किरण भी अपने एक बेटे को जन्म दे चुकी थी। और मैं उन दोनों को लेकर तेजी से वहाँ से यहाँ आ गया था, लेकिन गोपी और कालिया ने मानवती को अपना बंदी बना लिया और वो सालों से उनकी कैद में है। सिपाही, यशराज के बेटे को मैंने उसके पिता की बहादुरी के सारे किस्से सुनाए हैं। तब वो सिपाही और रामा किरण और यशराज के बेटे के पास जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बाप एक महान योद्धा था, तुम्हारे बाप के जीवन की बड़ी दुखद घटना है, लेकिन उनकी महानता हमें आज भी याद है, हम सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तब यशराज का बेटा रामा और बहुत सारे सिपाही जाकर गोपी और कालिया पर तेजी से हमला बोल देते हैं और उसके सारे सिपाहियों का भी खात्मा कर देते हैं। यशराज का बेटा अपनी दादी मानवती को भी कालिया की बेड़ों से आजाद करा लेता है और मानवती यशराज के बेटे को जंगल का राजा घोषित करती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। अभी सीमा शेरनी और वीर सिंह अपनी गुफा पर खड़े अपने बेटे के लिए परेशान हो ही रहे थे कि तभी एक बकरी बहुत रोती चिल्लाती डरती हुई उनके पास आती है। महाराज महाराज, वही हुआ जिसका डर था, आपका सगा बेटा गोपी नील नदी पर पानी पी ही रहा था कि उधर से उस जल्लाद ठाकुर ने उन्हें दबोच लिया और गोपी का खून पी गया। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं खोल सकती, उस जालिम ने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ माँ, तुम किसकी बात कर रही हो, किसने मार डाला मेरे भाई गोपी को? कुछ नहीं बेटा, तुम अभी जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से अकेले में बात करनी है। वो जालिम 15 सालों से यूं ही जुल्म करता आया है, जो भी नील नदी पर पानी पीने जाता वो उसे मार डालता, और भी देखो आज उसने हमारे बेटे को भी जान से मार डाला। लेकिन अपनी माँ सीमा की ये सारी बातें गुफा के पीछे खड़ी रश्मि ने सुन ली थी और वो तेजी से भागती हुई अपने दोस्त भालू के पास जाती है। अब मुझे उस नील नदी तक पहुँचना ही होगा जहाँ से हमारे जंगल में आने वाला पानी बंद कर रखा है। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है भालू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे जानना है आखिर वो जालिम है कौन। देखो रश्मि दोस्त, उस जंगल में जाना अपनी जान को खतरे में डालने से कम नहीं है, लेकिन जब तुम दोस्ती का हवाला दे रही हो तो फिर तो चलना ही पड़ेगा। तब
तब रश्मि और भालू उस जंगल के लिए निकल जाते हैं और लंबा सफर तय करने के बाद वो उस जंगल तक पहुंच जाते हैं। देखो दोस्त, इतना लंबा सफर तय करने के बाद मुझे तो जोरों से भूख लग गई है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो भोजन करना है। तब वो दोनों एक पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करने लगते हैं और पेट भर भोजन करने के बाद वो देखते हैं कि बहुत दूर से खड़ी एक भैंस उन्हें देखी ही जा रही थी। रश्मि, क्या तुमने कुछ गौर किया? हाँ भालू, मैं भी जब से यही देख रही हूँ। तो फिर चलो उसी के पास चलते हैं। अरे अरे, तुम तो भांडी की बेटी हो ना? नहीं नहीं भैंस, मैं भांडी की नहीं, मैं तो सीमा की बेटी हूँ। अच्छा सीमा, लेकिन नहीं बेटी नहीं, सीमा तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी चची। मुझे तो लगता है उस राज से जुड़ी सारी सच्चाई तुमसे छिपाई गई है, शायद तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये तुम क्या बोले जा रही हो भैंस, तुम किस राज की बात कर रही हो आखिर? बेटा, तुम बिल्कुल भांडी की तरह दिखती हो। दरअसल आज से 25 साल पहले तुम्हारी माँ और पिता रघु इस वृंदावन जंगल की तरक्की की तरफ ले जा रहे थे। भांडवी गर्भवती थी, तुम्हारे पिता का एक जिगरी दोस्त था ठाकुर। ठाकुर बाग रघु की गैर मौजूदगी में भी भांडवी को भोजन लाकर दिया करता था, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ जानवरों के दिलों में रघु की इज्जत बढ़ती ही जा रही थी, जो कि ठाकुर से बिल्कुल हजम नहीं हुई और वो अपने सिपाहियों के पास गया। रघु के जानवरों के दिलों में मैंने अपनी जगह बना ली है, अब समय आ गया है रघु के इस जंगल को हथियाने का। चलो अब चलते हैं, हमें अपना काम शुरू करना है। तब ठाकुर बाग और उसके सारे सिपाहियों ने मिलकर वृंदावन की बड़ी नील नदी से दूसरे जंगलों में जाने वाले पानी को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया और ऐसे ही 3 दिन बीत गए। उधर जब उन जंगलों में पानी नहीं पहुंचा, तो वहां के जानवर परेशान होने लगे और इधर ठाकुर अपने सिपाहियों से कहता है, अब तुम्हें एक काम और करना है। हमने जिस जिस जंगल का पानी बंद किया है, एक एक करके तुम वहां फैल जाओ और वहां के जानवरों को रघु के खिलाफ भड़का दो। ठाकुर के सिपाही पास के एक जंगल में पहुंच गए। गोरिल्ला भाई, अब हमसे सुकून छीनने वाला है। 3 दिन से वृंदावन जंगल की नील नदी के मालिक रघु ने आसपास की नदियों में जाने वाला पानी रोक रखा है। हाँ भाई, ये बहुत चिंता का विषय है, हम सब भी बहुत परेशान हैं। आखिर वो चाहता क्या है, अब उससे बात करनी ही पड़ेगी। और इधर रघु ठाकुर के इस सारे प्लान से बेखबर था। वो वापस जब अपनी गुफा पर लौटा तो आसपास के बड़े जिम्मेदार जानवरों की भीड़ उसके द्वार पर खड़ी थी। रघु, तुमने खुद को समझकर क्या रखा है? माना कि नील नदी तुम्हारी है, लेकिन हमारी नदियों का पानी भी उसी से जुड़ता है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता इस तरह से पानी बंद करने का। हाँ रघु, पिछले 3 दिन से तुमने हमारी जिंदगी को मुश्किलों में डाल रखा है, हमारे बच्चे और बूढ़े प्यास से मर रहे हैं। तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ठाकुर दोस्त, तुम बताओ इन्हें। हाँ रघु भाई, मुझे भी सब अभी पता चल रहा है, तुमने ऐसा करने से पहले मुझसे भी कोई सलाह नहीं ली। जानवरों के सामने ठाकुर बाघ रघु शेर को ही गुनहगार बनाता है। रघु उसकी चाल समझ गया था। तब रघु उनसे कहता है, भाइयों, मैं पिछले 30 सालों से राज कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ये जरूर किसी की चाल है, लेकिन जो भी है उसका सच सबके सामने जरूर आएगा। अब शाम हो चुकी है, मुझे बस एक रात का समय दो, कल सुबह तक तुम्हारी नदियों तक पानी पहुँच जाएगा। एक दिन का समय सुनकर ठाकुर घबराने लगा, क्योंकि रघु हर मुश्किल का हल जानता था। तब ठाकुर बाग अपने सिपाहियों के पास जाता है। साथियों, रघु ने एक रात का समय लिया है और मैं जानता हूँ वो रात भर में ही सारे पत्थर और चट्टानों को वहाँ से हटा देगा, इसीलिए हमें उसे एक रात के लिए गायब करना होगा। उधर रघु ठाकुर की चाल समझ चुका था, वो रात में ही अपनी पत्नी से कहता है, भानवी, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा, हमारा वो जो भी दुश्मन है हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए तुम यहाँ से मेरे भाई वीर और सीमा शेरणी के जंगल चली जाओ। जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। भानवी वहाँ से रघु के भाई वीर के जंगल चली गई और रघु रात में ही नील नदी पर पहुँचा। किसी ने बहुत चालाकी से पत्थरों को लगाकर हर बांध को बंद कर रखा है, इन्हें हटाने के लिए मुझे कुछ सिपाहियों की जरूरत होगी, मैं उन्हें ही बुला कर लाता हूँ। रघु वहाँ से सिपाहियों को लेने जा ही रहा था, लेकिन पेड़ों के पीछे छिपे ठाकुर बाग के सिपाही दौड़ते हुए आए और रघु पर जोरों का वार किया और उसे बेहोश कर दिया।
ठाकुर ने रघु को ऐसी दवाई सुंघाई जिससे रघु सुबह तक बेहोश पड़ा रहा। सुबह जब उसे होश आया तो वो फौरन अपनी गुफा पर आया, लेकिन आज भी सभी जानवरों की भीड़ उसकी गुफा पर पहले से मौजूद थी। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे फंसाया गया है भाइयों। अब तुम फिर से हमें बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन इस बार तुम हमें चालाकी नहीं दिखा सकते। रघु, तुम क्यों इन मासूमों के जीवन से खेल रहे हो? भाइयों, मैं अब तुम पर और कोई जुर्म नहीं होने दूंगा। मैं इसकी सब चाल समझता हूँ। अपनी प्रजा को यूँ प्यासा मरते देखने वाले राजा को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। और बस फिर क्या था, ठाकुर ने तो हमारे महाराज रघु यानी तुम्हारे पिता को खून से लथपथ कर दिया और जानवरों से बोला। भाइयों, आज से तुम मेरी प्रजा हो और मैं अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करूंगा। नील नदी से पानी का रास्ता भी खुल जाएगा, लेकिन इस काम में कुछ समय लग जाएगा। इसीलिए जब तक नदियों का रास्ता नहीं खुल जाता, तुम्हें यहीं आकर पानी पीना होगा। ठाकुर की इस बात से कुछ जानवर तो परेशान थे, लेकिन कुछ संतुष्ट भी थे। और फिर दूसरे जंगल के जानवर नील नदी पर पानी पीने आने लगे। लेकिन जब भी जानवर यहाँ पानी पीने आते तो ठाकुर और उसके सिपाही उन्हें वहीं दबोच कर खा जाते। और ये सब होते मैं देख रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। इधर दूसरे जंगल में जब जानवरों की संख्या कम हो रही थी, तब जानवरों ने गौर किया कि जो भी पानी पीने नील नदी पर जाता है वो वापस ही नहीं आता। और तभी मैं डरती डरती उनके जंगल गई। तुम्हारी जानवरों के खून का प्यासा कोई और नहीं, वही ठाकुर है जिसको तुम सबने अपने सर पर बिठा कर रखा है। कल जब यहाँ से गाय पानी पीने नील नदी पर गई थी तो ठाकुर ने उसे भी दबोच लिया, और ये मैं पहाड़ी से खड़ी हुई देख रही थी। देखो साथियों, क्या प्लान बनाया था मैंने। उनकी ही आँखों के सामने उनके ही राजा को मार कर उनके ही जानवरों को खा रहा हूँ, और वह सब मुझे अपना राजा कहते हैं। वो एक नंबर का धोखेबाज और गद्दार है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हमारी कोई भी एक गलती हम सब पर कहर बन सकती है, क्योंकि उस ठाकुर के पास बहुत खतरनाक सिपाही है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस तरह जो भी यहाँ पानी पीने के लिए आता वही मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो वो मेरे बाप का गद्दार और कातिल है। लेकिन मेरी माँ का क्या हुआ, वो कहाँ गयी? ये बात मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुमसे आज तक छिपा कर रखा था रश्मि, ताकि तुम खुशी से अपना जीवन जी सको, लेकिन अब हकीकत तुम्हारे सामने है। तब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ हकीमी का काम करती थी। जब भानवी शेरणी ने तुम्हें जन्म दिया था तो वो वहीं मर गई थी और तुम पैदा हुई। तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें अपनी औलाद मान लिया। ये भैंस सही कह रही है, सीमा शेरणी और वीर सिंह तुम्हारे चाचा चाची ही है। मेरे परिवार का हत्यारा है वो जालिम, लेकिन मैं अब उसका नाम और निशान यहाँ से मिटा दूंगी। और तब रश्मि रात के समय यहाँ के ताकतवर जानवरों को लेकर दबे पांव ठाकुर की गुफा पर पहुँच गई। वो सब सो रहे थे, तब रश्मि और जानवरों ने उन पर एक साथ वार किया और सबको मौत की नींद सुला दिया। और अब नील नदी से भी चारों तरफ नदियों में पानी रहता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रह्मांड पर बसा था महाशक्तिशाली एक परिवार। वो सब अलग अलग थे, लेकिन फिर भी वो एक परिवार की तरह रहते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ सच की विजेता देखना था। धरती पर आज तक इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। अकेला एक इंसान हो या फिर जानवर, वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हक के लिए खड़ा होना यही बहुत बड़ी बहादुरी है। हमें धरती पर उतरकर उसका साथ देना होगा। इतना सोच कर वो ताकतवर झुंड धरती पर उतर आता है और रमशा शेरनी के पास आते हैं। रमशा उन्हें देख थोड़ा घबरा जाती है। डरो नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुमने जो कदम उठाया है उसमें तुम हमें हमेशा अपने साथ पाओगी। मुझे डर है उन बहादुर सिपाहियों के साथ भी कहीं वो ना हो जिस तरह उसने उन जिंदा जानवरों के दिल, किडनी और गुर्दे निकाल कर बेच दिए थे। क्या हुआ था आखिर रमशा के जंगल के जानवरों के साथ? रमशा के पिता भोपाल सिंह बहुत माल दौलत वाले थे, लेकिन वो हर दिन अपनी दौलत को बढ़ते देखना चाहते थे। भोपाल का एक बड़ा अस्पताल था जिसके अंदर गरीब जानवर अपना इलाज कराने आते थे, क्योंकि भोपाल के इस अस्पताल में दवाइयाँ और इलाज बहुत कम पैसों में होता था। लेकिन ये उसकी एक चाल थी, क्योंकि इन जानवरों से भोपाल खुफिया धंधा कर रहा था। वो इन जानवरों को कुछ रुपयों के बदले पास के एक राजा कालिया बाग को बेच देता था।
और कालिया की नज़र में रहम नाम का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो इन जानवरों की दिल, किडनी और गुर्दे निकाल कर दूसरे जंगल में दुगनी कीमत पर बेचता था। उधर भोपाल की बेटी रमशा गर्भवती थी। वो अपने पति के साथ अपने हॉस्पिटल जा रही थी कि तभी वो दूर से देखती है कि दो सिपाही बग्गी में कुछ बीमार जानवरों को लेकर जा रहे थे। अरे सिपाहियों, तुम इन जानवरों को लेकर कहाँ जा रहे हो? रमशा कुछ नहीं, वो इन जानवरों का इलाज यहाँ मुश्किल है, इसीलिए इन्हें दूसरे जंगल अस्पताल में ले जाना पड़ रहा है। उस सिपाही की हिचकिचाहट से रमशा को उन सिपाहियों पर शक होता है, इसीलिए वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं और एक खुफिया जगह पर आकर रुक जाते हैं। क्या हुआ आज, इतना समय क्यों लग गया इन्हें लाने में? वो बस कुछ नहीं, रास्ते में कोई मिल गया था और बहुत सवाल कर रहा था, इसीलिए उसे चकमा देकर भेजना पड़ा। चलो चलो, कोई नहीं, अब जल्दी से इस रुपों की भरी बग्गी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जल्दी करो जल्दी। और तब वो सिपाही वहाँ से उस बग्गी को लेकर अपने जंगल की तरफ आते हैं और बाघ मानव उन जानवरों को लेकर अपने जंगल की तरफ बढ़ते हैं। ये तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं? वो इन मासूम जानवरों का सोलह करने पर उतर आए हैं, मैं इन सिपाहियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जज्बाती मत बनो, ये सब क्या चल रहा है इसके बारे में मैं पिताजी से बात करूंगी। तब रमशा अपने पिता भोपाल सिंह के पास आती है। ये सब क्या चल रहा है पिताजी, और कब से चल रहा है? क्या हुआ रमशा, किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे सब पता चल चुका है, तुम मासूम गरीब जानवरों का मोल कर रही हो। अगर तुम्हें पता चल चुका है तो तुम्हें मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना पिताजी, अगर जुल्म भी आखिरी हद पर हो और करने वाला भी मेरा कोई अपना हो तो मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती, और बात रही तुम्हारे रास्ते में आने की तो मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगी। गुस्से से ये सब बोलकर रमशा अपने पति के पास आती है और उससे कहती है, सुनो, हमारा काम ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बचाना है, हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे। और रात में रमशा अपने पति के साथ अपने पिता के अस्पताल से सभी जानवरों को निकलवा लेती है और उन सबको लेकर एक खुफिया जगह पर पहुंच जाती है ताकि उसके पिता उनका सौदा न कर सके। रमशा वहाँ उन्हीं के पास रहती है और उसका पति जंगल वापस आ जाता है। भोपाल जब अस्पताल जाकर देखता है, वहाँ एक भी जानवर नहीं था। ये देखते ही भोपाल समझ गया कि उसकी बेटी ने वहाँ से उन सबको निकलवा लिया है। तब वो रमशा की गुफा पर जाता है, वहाँ रमशा नहीं थी। तुम दोनों ने मिलकर कहाँ छिपाया है उन जानवरों को, जल्दी से बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम किन जानवरों की बात कर रहे हो? ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो, रमशा बहुत जज्बाती है, मैं जानता हूँ अस्पताल से उसने ही जानवरों को निकलवाया है। मुझे सब कुछ जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगा तुम्हें मारने में। अब तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, जो तुम्हें करना है कर लो। तुम कुछ ज्यादा ही रहमदिल बन रहे हो, लेकिन अफसोस दूसरों को बचाने के चक्कर में तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। भोपाल उस पर टूट पड़ा और उसका खून भी गया। उधर ठाकुर बाग को जब वो बीमार जानवर भी नहीं मिल रहे थे तो उसका धंधा भी कम हो रहा था और वो बेचैन हो रहा था। पूरे दो दिन हो गए, उसने एक भी जानवर नहीं भेजा। अगले 24 घंटे में अगर उसने कोई खबर नहीं दी तो मैं खुद अपने तरीके से जाकर उससे बात करूंगा। उधर कुछ देर बाद रमशा अपने पति से मिलने अपनी गुफा पर आती है, लेकिन उसकी सांसें खत्म हो चुकी थी। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? उन जानवरों को बचाने का फैसला मेरा था, लेकिन मेरे जालिम पिता ने ये क्या कर दिया? वो चाहते हैं तुम्हारे प्राण लेकर वो मुझे डरा देंगे और मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन अब ये मेरा वादा है मुझसे, चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले जाए, लेकिन मैं उन जानवरों को किसी कीमत पर भी पिताजी को नहीं सौंपने वाली। और इधर कालिया बाघ बहुत गुस्से से अपनी एक बड़ी सेना के साथ भोपाल की गुफा पर आता है। पिछले 4 दिन से मेरा धंधा चौपट हुआ पड़ा है सिर्फ तेरी वजह से, लेकिन अब मैं किसी बात का इंतजार नहीं करूंगा और तेरे जंगल के बहादुर ताकतवर सिपाहियों को ले जाऊंगा। चलो सिपाहियों, वो जहां भी मिले उठा लो उनको। और कालिया जंगल के बहादुर ताकतवर सिपाहियों को अपने कैद में करके वहां से अपने जंगल ले जाता है और इस तरह से वो हमारे जंगल के बहादुर सिपाहियों को भी यहां से उठा कर ले गया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी? और वो कालिया, अगर उससे मेरे जंगल के जानवर बच भी गए तो वो अपना धंधा करने के लिए कहीं और के जानवरों को खरीदेगा, मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा। देखो रमशा, हम ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणी हैं और उस कालिया के जंगल में पहुंचने से पहले एक नदी पड़ती है, हमने अगर उसे पार किया
तो हम भस्म हो जाएंगे, लेकिन हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम्हें एक काम करना है, कालिया के जंगल से कोई ना कोई जानवर बाहर जरूर आता होगा, तुम्हें उसके साथ छिपकर उसके जंगल में दाखिल होना होगा और उन सिपाहियों को वहाँ से छिपकर बाहर निकालना होगा। तब रमशा कालिया के जंगल के बाहर झाड़ियों में छिपकर खड़ी हो जाती है। तब वो देखती है एक भालू बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर रोज जंगल में जाता है। तब अगले दिन जब वो भालू आता है तो वो छिपकर उससे मिलती है। तुम्हारे जंगल का राजा कालिया बड़ा जालिम है, उसने पहले हमारे जंगल के बीमार जानवरों के शरीर के अंगों को निकाल कर बेचा और अब उसने हमारे बहादुर सिपाहियों को भी पकड़ रखा है। रमशा ने शुरू से लेकर भालू को अपनी सारी दुर्घटना के बारे में बताया। तुम चिंता मत करो, उनको निकलवाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब रमशा भालू की लकड़ियों से भरी बग्घी के बीच छिपकर कालिया के जंगल पहुँच जाती है और रात होने का इंतजार करती है। कालिया और उसके सिपाही सो जाते हैं। तब रमशा वहाँ पहुँचती है। साथियों मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह मैं तुम्हें यहाँ से एक भालू की लकड़ियों की बग्घी के बीच छिपाकर यहाँ से निकलवा लूँगी। हमारे पास ब्राह्मण से एक सेना हमारी मदद के लिए आई हुई है, तुम्हें सीधा जाकर उन तक पहुँचना है। लेकिन रमशा तुम यहाँ से कैसे निकलोगी? तुम मेरी चिंता मत करो, जैसे कैसे करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और सुबह के समय जब कालिया और उसके सिपाही वहाँ नहीं थे, तब रमशा अपने सिपाहियों को भालू की लकड़ियों से भरी बग्घी के बीच उन्हें बैठा कर एक एक करके कालिया के जंगल से बाहर निकलवा देती है। लेकिन जब कालिया वापस आकर देखता है तो उनमें से एक भी सिपाही वहाँ नहीं था। ये देख कर कालिया का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। जासूस जो भी है वो यहाँ से निकल ना पाए, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी सात नस्लें भी याद रखेगी। तुम जाकर जंगल का द्वार बंद कर दो। रमशा को जब ये पता चलता है तो वो जंगल से निकलने के लिए तेजी से भागती है, लेकिन द्वार पर खड़े सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे मुस्लिम बनाकर अपने महाराज कालिया के पास ले जाते हैं। तो वो गद्दार तू है, लेकिन तुझे शायद पता नहीं कि मैं अपने गुनाहगारों के साथ क्या करता हूँ। तुम चाहे मेरे खून की एक एक बूंद भी क्यों ना पी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोल दूं कि ब्रह्मांड से इस जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना उतर आई है, अंत में हार तुम्हारी ही होगी। नहीं झूठी कहानियाँ मुझे मत सुनाओ, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। कालिया रमशा पर टूट पड़ा और उस गर्भवती रमशा ने अभी तक अपनी संतान को भी जन्म नहीं दिया था कि कालिया ने उसकी बोटी बोटी कर दी और ये खबर उन सारे सिपाहियों तक भी पहुँच जाती है। हमें बचाते बचाते रमशा शेरनी ने अपना पूरा परिवार खो दिया। इतने दिनों से वे अपनी संतान के दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस जालिम कालिया ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। साथियों रमशा का परिवार जुल्म के खिलाफ लड़ता लड़ता मर गया। रमशा का बस एक ही सपना था कि वे अपनी आंखों से जुल्म का अंत होते देखे, और उसके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हम तुम सबको ऐसी ताकत देंगे जिससे तुम विशाल ताकत वाले शरीर को हासिल कर लोगे और उस कालिया को अपनी ताकत से कुचल डालोगे। तब ब्रह्मांड की वो सेना साधारण सिपाहियों को विशाल रूप देती है और वो विशाल शेरों की सेना कालिया पर हमला बोल देती है। विशाल शेर कालिया के सिपाहियों को भी खून से नहला देते हैं और रमशा का जुल्म के खिलाफ उठाया हुआ एक कदम आज जीत गया। ब्रह्मांड के सिपाही भी अपनी दुनिया में चले जाते हैं और रमशा के बहादुर सिपाही भोपाल सिंह को एक महीने के लिए सजा के तौर पर कैद कर देते हैं और जंगल की डोर को अब वो खुद संभालते हैं। मेरे बाप ने ये मेरे साथ दोराही की है, अपने उस चहीते बेटे को जंगल का राजा बना दिया और मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अपनी राजगद्दी हासिल करने के लिए अब चाहे मेरा बाप भी बीच में क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि बगीरा ने अपने छोटे बेटे को राजगद्दी का पद दे दिया और बड़ा बेटा रामू जज्बाती और गुस्से का तेज था। भाइयों मैं जानता हूँ ये फैसला तुम्हें भी थोड़ा हैरान करेगा, लेकिन यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरा छोटा बेटा रघु आज से तुम्हारा नया राजा है। जब ये बात रामू ने सुनी तो वो गुस्सा होकर वहाँ से अपनी गुफा पर आ गया। मेरे बाप ने जानवरों के सामने मेरे छोटे भाई को जंगल का राजा बनाकर मेरी तोहीन की है। राजगद्दी का पद हासिल करने के लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अब किसी की परवाह नहीं करूँगा। अरे चाचा निकल यहाँ से, वक्त के साथ सबको पता चल जाएगा कि मैंने अपने छोटे बेटे को राजा क्यों बनाया। इस तरह रामू गुस्सा होकर वहाँ से निकल आया था और गुस्से में बड़बड़ाते उसने सारी सच्चाई कह दी, जो कि बगीरा के सबसे बड़े दुश्मन
काचा बाग में सुन ली थी। अरे भाई रामू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अगर तुम्हें राजा बनना है और अपना बदला पूरा करना है तो अपना गुस्सा शांत करो और दिमाग से काम लो। तो भाई अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मरना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? पूरी बात ध्यान से सुनो। हमें तुम्हारी मौत की खबर पूरे जंगल में फैलानी है और तुम्हारी मौत का इल्जाम तुम्हारे भाई रघु पर लगाना है, ताकि तुम्हारे माता पिता और जानवरों की नजरों में रघु खूनी साबित हो। और तुम्हारे पिता का नियम है खून का बदला खून, और वो रघु को मार डालेंगे। फिर उसके बाद तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, मैं राजा और तुम मेरे खास सिपाही होंगे। तब रात के समय काचा बाघ रघु की गुफा के बाहर खून से लथपथ रामू की जैसी एक खाल फेंक देता है। सुबह जब रघु बाहर आता है तो अपने ही भाई को यूं मरा देख कर हक्का बक्का रह जाता है। उधर से बगीरा भी कुछ जानवरों के साथ किसी मुद्दे पर बात करने के लिए रघु की गुफा पर ही आ रहा था कि उसने देखा रघु ने रामू को पूरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। मेरे नादान रामू के साथ ये तुमने क्या किया रघु? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप हो जाओ, एक भी शब्द बाहर निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। हमने तुम्हें समझदार मानकर राजा बनाया है, लेकिन तुमने तो अपने भाई की जान तक नहीं बख्शी। अपना बनाया गया सख्त नियम भूल मत जाना बगीरा। मौत का बदला मौत है। हाँ महाराज, ऐसे जालिम और ज्यादती का बदला मौत से कम होना भी नहीं चाहिए। मेरा नियम जो कल था वही आज है। रघु ने रामू का खून किया तो उसे भी सजा है मौत मिलेगी, लेकिन रामू का अंतिम संस्कार करने तक मैं इसे गुफा में बंद कर देता हूँ। तब बगीरा ने रघु को गुफा में बंद कर दिया और रामू की उस खाल का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन बगीरा ने रघु को जान से मार डाला और उसे घसीटता हुआ जानवरों के पास ले गया। देखो भाइयों, मैं इस बड़े सदमे में भी अपना नियम नहीं भूला। रघु ने रामू का खून किया तो इसे भी सजाए मौत ही मिली। उधर बाग के जंगल में एक बकरी और भेड़ आपस में बातें करती जा रही थी। अरे देखो तो, कल के बने राजा रघु ने अपने बड़े भाई रामू को मौत की नींद सुला दिया था, तो उसके बाप ने अपने नियम को जिंदा रखने के लिए रघु को भी मौत की नींद सुला दिया। हाँ बहन, सुनने में तो यही आ रहा है। बकरी और भेड़ की ये बातें काचा बाघ ने सुन ली थी और वो भागता हुआ रामू के पास आया। अरे रामू दोस्त, प्लान कामयाब रहा। तुम्हारे पिता ने उस रघु को जान से मार डाला, तो जंगल के राजा तुम ही बनोगे। चलो अब समय आ गया है तुम्हारे जंगल जाने का। तब वो दोनों बगीरा की गुफा तक आ जाते हैं। उस समय बगीरा और उसकी पत्नी भी वहाँ नहीं थी। अरे काचा भाई, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब पिताजी मुझे जिंदा खड़ा देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे रामू, तुम भी एक नंबर के बुद्धू हो। उस बगीरा को भी जान से मार डालेंगे। हाँ काचा, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। क्यों नहीं काचा, मैं तो मरने के लिए खुद ही तेरे पास आ गया। अरे अरे रामू, खड़े चक्र क्या देख रहे हो? मार डालो अपने पिता को। हाँ हाँ काचा, मारेंगे तो हम जरूर, लेकिन पिताजी को नहीं बल्कि तुझे। हाँ भाई रामू, सालों से इंतजार किया हमने इस काचा को यहाँ तक लाने का, लेकिन ये बुजदिल गद्दार बाहर ही अपने मंसूबे बनाकर हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता रहा। दरअसल जिस दिन बगीरा ने रघु को जंगल का राजा घोषित किया था, उससे एक दिन पहले रामू काचा के ही जंगल गया हुआ था। काचा बहुत सारी तादाद में अपने सिपाहियों के बीच खड़ा था। सदियों से मैं उस बगीरा के जंगल को हड़पना चाहता हूँ, लेकिन उसकी ताकत है उसके दोनों बेटे। तुम्हें मिलकर पहले उसके दोनों बेटों को मौत की नींद सुलाना होगा और फिर मैं उस बगीरा से खुद निपट लूंगा। काचा की बातें सुनकर रामू दबे पांव वहाँ से आ गया और अपने पिता को सारी बात बताई। और तब रामू और बगीरा ने काचा को यहाँ तक लाने का ये प्लान बनाया था। तो इसका मतलब क्या तुम सब मिले हुए हो? तो बताओ काचा, कैसा रहा हमारा प्लान? लेकिन ये रघु जिंदा कैसे हुआ? जब तुम रामू की नकली खाल को लाकर हमारे सामने डाल सकते हो, तो क्या मैं अपने बेटे रघु की नकली खाल नहीं बना सकता? मेरा अपने छोटे बेटे को जंगल का राजा घोषित करना, रामू का मेरे खिलाफ भड़कते हुए तेरी गुफा के सामने से गुजरना, और फिर मेरा अपने ही बेटे रघु को जान से मारकर सबको दिखाना, शुरू से ये सब तेरे खिलाफ एक साजिश थी काचा। और तू समझता रहा कि मैं सब कुछ खत्म करवा रहा हूँ। जहाँ तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से हम बाप बेटों की शुरू होती है। रघु रामू, कुचल डालो इसे। तब दोनों भाइयों ने मिलकर काचा को खून से नहला दिया और तीनों मिलकर फिर से जंगल को आबाद करते हैं। और इस तरह से उन तीनों बाप बेटों ने अपने दुश्मन काचा का खात्मा कर दिया।